नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G versus OnePlus Nord CE2 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 6.46 इंच जबकि Nord CE2 5G में 6.32 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Redmi Note 11 Pro Plus 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 3 इंच जबकि Nord CE2 5G में 2.88 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Redmi Note 11 Pro Plus 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 0.32 इंच जबकि Nord CE2 5G में 0.31 इंच की थिनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 202 ग्राम्स जबकि Nord CE2 5G में 173 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में AMOLED जबकि Nord CE2 5G में Fluid AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 6.67 इंचेस जबकि Nord CE2 5G में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 86.01% जबकि Nord CE2 5G में 84.91% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 395 पिक्सल प्रति इंच जबकि Nord CE2 5G में 409 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Nord CE2 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में तारांकन मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में Adreno 619 जबकि Nord CE2 5G में Mali-G 68MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में Qualcomm Snapdragon 695 और Nord CE2 5G में MediaTek Dimensity 900MT6877 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 8GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि Nord CE2 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB, 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Nord CE2 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 5000mAh जबकि Nord CE2 5G में 4500mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 3 कलर्स जबकि Note CE 2 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 20,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Note CE 2 5G की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें OnePlus Note CE 2 5G की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Note CE 2 5G आगे है, मेन कैमरा में Redmi Note 11 Pro Plus 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Note CE 2 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 10T 5G है, दूसरा Oppo A74 5G है, तीसरा Realme 8 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V21 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।